आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। यह वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जो बीएड में नामांकन लेना चाह रहे हैं और उनका अंतिम चरण स्पॉट राउंड का नामांकन चल रहा है। यह स्पॉट राउंड क्या है, जो भी बच्चे बीएड का बिहार में एडमिशन चाह रहे हैं तो वो सभी का एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बार लिया गया। अब जो बच्चे उस एग्जाम को केवल क्वालिफाई किए हैं, पास हुए हैं, तो उन बच्चों का पहला चरण या दूसरा चरण में दो बार लिस्ट जारी हुआ, अगर नामांकन नहीं हो पाया तो स्पॉट राउंड में वे अपने किसी भी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब दो बात है, एक तो कई लोग को लग रहा होगा कि बीएड एडमिशन ले या नहीं ले, तो हमारा सलाह है ये नहीं कि मेरे यहां कहीं से ले लीजिए, डिग्रियां बेकार नहीं जाएगी। जिस समय उम्र के पड़ाव पर अगर आप थकते हैं तो डिग्री ही आपका कवच, आप अपना कंटिन्यू बीएड एमएड पीएचडी, ये डिग्री अगर कंटिन्यू रखते हैं तो नौकरी के लिए उम्र समाप्त होने पर भी ये आपको हमेशा चिरस्थाई जॉब चाहोगे तो तुम्हें जॉब प्रोवाइड कराएगा। तो इसीलिए डिग्री नहीं रोके, ये हमारा सलाह है। ये नहीं कि बीपीएससी से अब टीचर की बहाली होगी, कुछ होगी, अरे जो कुछ भी होगा बीएड वाला ही उसमें भाग लेगा। तो इसीलिए डिग्री रुकनी नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू कर लीजिए। अभी लेते समय हो सकता है लगे ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, बाद में यही डिग्री लगेगा अच्छा किए हमने ले लिया। अब बीएड में है क्या, हमारे भी कॉलेज है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ अपने कॉलेज के लिए मैं बना रहा हूं, कहीं भी जहां आपकी इच्छा है स्पॉट राउंड में आप नामांकन ले सकते हैं। आपकी इच्छा अगर हमारे कॉलेज में होती है तो एक दो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। बीएड कॉलेज में कई तरह के, कुछ कॉलेज वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कॉलेज वाले छिपे हुए हिडन चार्ज काफी रखते, अटेंडेंस के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर, लेसन प्लान के नाम पर, स्कूल में टीचिंग प्लान के नाम पर, ये इनिशियल एडमिशन समय दिखाई नहीं देता। एक बार जब उनके चंगुल में आप फंसते हैं तब ये एक साल पहला ईयर और दूसरा ईयर लगभग 50-60 हजार रुपए ये इनिशियल नहीं बताए जाते, छिपे चार्ज होते हैं, वो आपको लग जाते। बहुत कम कॉलेज वाले स्पष्ट बोलते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। सरकार के द्वारा 75,000-75,000 दो बार फी 1.5 लाख निर्धारित है। कई कॉलेज ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे लाइए आपका 1-20 में कर देते हैं, आप बड़ा खुश होंगे कि यार ये कॉलेज तो हमको बहुत अच्छा मिल गया, मेरा 1-10 में हो गया, 1-15 में हो गया। लेकिन जब आप इसमें छिपा हुआ चार्ज समझोगे तब लगेगा कि जा ये तो बहुत ज्यादा ले ली। हम अपने कॉलेज की बात करें, दूसरे की नहीं करें, तो मेरे कॉलेज में किसी प्रकार का कोई छिपा हुआ हिडन चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट ने जो फी निर्धारित की है इसके अलावे 1 रुपया भी मेरा स्टाफ कोई मांगता है हम जिम्मेवार हैं। आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हो क्योंकि वो कॉलेज के डायरेक्टर निदेशक मैं खुद हूं। इसीलिए कहीं भी, मैं दूसरे कॉलेज की बात नहीं जानता, लेकिन अपने कॉलेज में जो विद्यार्थी हमारे हैं गवर्नमेंट निर्धारित फी में होगा, 1 रुपया भी छिपा हुआ चार्ज नहीं लगेगा, मैं स्पष्ट बता रहा। और इसके लिए एडमिशन सिर्फ 2 दिन है, आज और कल, सिर्फ आज और कल, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, फिर वीडियो प्राइवेट भी हो जाएगा। केवल 2 दिन के लिए आपका समय है। जो बच्चे कॉलेज जाना चाह रहे हैं तो पालीगंज हमारा महाविद्या मां कुसुम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, और ये पालीगंज में आप जाकर के भी खुद से कर सकते हैं। नंबर कॉलेज के वहां स्टाफ है जो कॉलेज देख रहे हैं उनका नंबर भी ऊपर दिया गया है। जो बच्चे पटना आसपास रहते हैं या पटना आ सकते हैं तो आज शाम 7 से 8, केवल आज, आज का मतलब है सोमवार मंडे जो आज है, और ये 7 से 8 PM पटना बाजार समिति में हम खुद रहेंगे। वहां भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, अयोध्या मार्केट साकेतपुरी मोड़, वहां भी आपके नामांकन प्रक्रिया हो जाएंगे। सामने से मिलके आपके मन में जितने विचार हैं वो सब विचार भी आप कर सकते हैं। 10 से 11 सीट हमारे यहाँ लेफ्ट है तो उसमें आपका हम यहाँ कर लेंगे। आज ही केवल मिलना होगा, कल फिर मिलने से कोई लाभ नहीं। दूसरा, इस नंबर पे आज हम खुद 8 बजे शाम से 9 बजे शाम तक आज हम उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि उस समय हम पटना से लौटते रहेंगे तो आपके कॉल उठाएंगे। केवल आज मतलब सोमवार, ये आपके सभी कॉल आज यहां पर, कोई इससे संबंधित आपको समस्या है तो सीधी बात भी कर सकते हैं। तो सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन अगर आप मिस किए
एडमिशन खत्म, मिस कर दिए, इस सेशन आपका लैप्स कर जाएगा, क्योंकि सारे चीज कंप्यूटराइज होते हैं। कई बच्चे 10 दिन बाद फिर कहेगा कि सर जो पैसा लगे सर आओ बढ़ा के देंगे सर, अभी ही सोच लो। वो फिर नहीं होता है, नहीं कोई करेगा, करता है तो ठगी कर सकता है। इसलिए जो सरकारी डेट है उसके अनुसार एकदम स्पष्ट रूप से चले। तो आपको ये इंफॉर्मेशन बीएड संबंधी हमने दे दिया, बाकी फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी लोग का।